मुस्लिम समुदाय के पाक महीने रमजान की शुरुआत होने से बाजार में फलों की मांग एकाएक बढ़ गई है। इससे सीजनेबल फ्रूट्स को भी खरीदार मिल रहे हैं और फलों के दुकानदारों को भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। इस कारण बाजार में विक्रेताओं के चेहरे खिल गए हैं। रमजान महीने में तरबूज, मौसमी, केला, चीकू, खजूर आदि फलों की लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। रमजान का महीना शुरू होते ही सीजनेबल फलों के दाम बढ़ गए हैं। इसका कारण है कि रमजान महीने में रोजेदार इफ्तार को बिना खजूरे के पूरा नहीं करते। इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोजे और खजूर का खास कनेक्शन है, इसलिए रमजान महीने में खजूर की मांग में अचानक तेजी देखी जा रही है। रमजान के अंदर जो है फ्रूटों की जो बिक्री है, फलों की बिक्री में एकाएक जो है वृद्धि हो जाती है। और उसमें भी मुख्य रूप से देखा जाए तो जो तरबूज है जो इस समय वर्तमान में जो है महाराष्ट्र से जो है बहुत आयात में आ रहा है, कुछ 10-15 दिन के बाद अलवर के पास की जो कोटपूतली बांसुर है यहाँ की लोकल फसल भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, उसकी बहुत आयात में यहाँ पर मांग बढ़ चुकी है एकदम से। ग्रेजुअली जो है वहाँ के विभिन्न जिलों में से आ रहा है, जिसमें शोलापुर और वणी, विंचूर और गाजरवाड़ी ये प्रमुख। आम जो है वो विजयवाड़ा, वरंगल यहाँ के साइड का आरंभ हो चुका है, उसकी भी नई फसल आरंभ हो गई और कुछ दिनों बाद 10-15 दिन के भीतर उसकी भी बहुतायत में आम जो है इस मंडी के अंदर आने लग जाएगा। अब पवित्र नवरोजा माह की हम बात करते हैं तो इसमें जो फ्रूट है उनकी मांग एकाएक बहुत बढ़ चुकी है। नारियल पानी, मौसमी, कीवी, ये भी कुछ तरह के ऐसे फ्रूट हैं जिनकी भी मांग पिछले 2-3 दिनों से बढ़ चुकी है।